एक बात बताना भूल गया, ये जो मैंने तकरीबन कोई अभी ये पिकनिक पे कोई 2 एकड़ मैंने ये लगाया कॉटन, और ये तकरीबन पूरा जो है ये तकरीबन 1 kg सीड भी इसके अंदर नहीं गया है, मतलब 1 kg से भी थोड़ा सा कम सीड गया है। तो ये आप जितने भी आप ये पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो समझें कि 1 kg के अंदर ही हैं, तो समझें कि 1/2 kg के अंदर ही मैंने पूरा 1 एकड़ लगाया है। तो ये माशाल्लाह से जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छी हुई और ये आप सामने तो आप देख ही रहे हैं। और सर ये जो माशाल्लाह से हार्ड पैन ने जो अपना रिजल्ट दिया है वो भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैंने अपनी इस कॉटन की हाइट देखी है तो 4.5 फीट है, और मैं अपने पूरे इलाके में घूम चुका हूँ, ये हमारा क्या कहते हैं बलसान की तरफ इलाका है डिस्ट्रिक्ट लसबेला में, तो उसमें मैंने इतनी हाइट की कोई भी कॉटन नहीं देखी है। उसका रीज़न बिल्कुल यही है कि हार्ड पैन उनकी ज़मीनों में, तो इस वजह से पानी भी उनको ज़्यादा लगाना पड़ता है और क्या कहते हैं हाइट भी नहीं होती ना इतनी प्रोडक्शन आती है। और इसको मैंने अभी तक माशाल्लाह से सिर्फ 2 पानी लगाए हैं, और यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 13-14 पानी दे चुके हैं अभी तक, अभी आगे भी देंगी ये लोग। तो ये माशाल्लाह से तो 2-3 रिज़ल्ट तो मैंने अभी से ही माशाल्लाह उठा लिए हैं पिकनिक के, और उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाबी अल्लाह देगा, और मुझे पूरी ये मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके में जितने भी मेरे हैं छोटे छोटे ज़मींदार उन सबको मैं ये जाके मैं प्रोवाइड करूँ ये मशीनरी वगैरह, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, इतना पहुँच भी नहीं सकते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह यूरिया DAP इन्हीं में बेचारे वो लगे हुए होते हैं, और प्रोडक्शन भी कोई नहीं हासिल होती है। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है सर, बस हमारी भी इंशाल्लाह मेहनत यही होगी कि इस चीज़ को जितना हो सके बढ़ाएं। थैंक यू सर।